Hello students, in the previous lecture we discussed angles, acute, obtuse and reflex, and today we are going to discuss about the measuring angles. So students, now we are able to classify the angles as acute, obtuse, straight, reflex or right angle. But this does not give a precise comparison. It cannot find which one among the two obtuse angle is greater, or which one among the two acute angles is greater. So in order to be more precise in comparison, we need to measure the angles, and we can measure any angle with the help of protractor. So let us understand about the protractor and measure of an angle. The measure of angle, we call our measure degree measure. One complete revolution is divided into 360 equal parts, and each part is a degree. We write 360 degree as 360 degrees. You can find a ready-made protractor in your instrument box. The curved edge is divided into 180 equal parts. Each part is equal to a degree. The markings start from 0 degree on the right side. यहाँ पे देखिए ये 0 से start है, फिर 0, 10, 20, 30 up to कहाँ तक है ये 180 degree तक. और फिर left side में भी एक हमारी scale दी है, वो भी 0 से स्टार्ट है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, as so on कहाँ तक 180 तक. तो देखिए इसमें टू स्केल है, एक हमारी है इनर स्केल और दूसरी हमारी है आउटर स्केल. आप लोग सबसे ज्यादा गलती यहां पे करते हो कि कब हमें इनर स्केल रीड करनी है और कब हमें आउटर स्केल रीड करनी है. तो पहले हम आपको ये चीज क्लियर करवा देते हैं कि कब आपको इनर स्केल, मतलब ये वाली हमको रीड करनी है मेजरमेंट, 0, 10, 20, दिस इज इनर स्केल एंड दिस इज आउटर स्केल, 0, 10, 20, 30, 40, 50, एस ऑन 180 तक. तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये हमारा जो है इनर स्केल है, और ये जो बाहर वाला है दिस इज आउटर स्केल. ये तो आपको नेम से ही पता चल जा रहा है कि कौन सा इनर है कौन सा आउटर है. अब समझिए कि कब आप इनर स्केल मेजर करोगे और कब आप आउटर स्केल मेजर करोगे. देखिए अगर एंगल इस टाइप से बना है, ठीक है, और आप यहां से मेजर कर रहे हो ये डायरेक्शन में, या कह सकते हो कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हो वो राइट से लेफ्ट है ना, राइट टू लेफ्ट. जब आप मेजरमेंट राइट से लेफ्ट करेंगे तो आप रीड करेंगे इनर स्केल. कौन सी स्केल बेटा? इनर स्केल. और अगर एंगल आपका कुछ इस टाइप से बना है, ये हमारा है, ठीक है, ये एंगल हमारा, कहां से मेजर करना है हमको? लेफ्ट टू राइट. तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी स्केल रीड करेंगे? आउटर स्केल. आउटर स्केल. तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें इनर स्केल कब रीड करनी है, जब हम मेजरमेंट राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, और आउटर स्केल कब रीड करनी है, जब हम लेफ्ट टू राइट मेजरमेंट कर रहे हैं. क्लियर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी विल मेजर एनी एंगल. सपोज यू वांट टू मेजर एन एंगल एबीसी. एज सोन हियर एंगल एबीसी, यू नो दैट दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल. जहां पे भी आपको ऐसा सिंबल मिलेगा दैट विल बी द सिंबल ऑफ एंगल. ठीक है, ये सिंबल हमारा एंगल का है. तो आपको मेजर करना है एंगल एबीसी. सो फॉर मेजरिंग दिस एंगल, at first you place the protractor so that this midpoint M of its straight edge lies on the vertex B
ऑन द एंगल। आपको इस प्रोटेक्टर के जो ये सेंटर में एम है इसको यहाँ पे प्लेस करना है। आफ्टर दैट एडजस्ट द प्रोटेक्टर सो दैट बीसी दिस लाइन बीसी इज अलोंग द स्ट्रेट एज ऑफ द प्रोटेक्टर। देन द मार्क्स शोन बाय बीए जब आप इसको इस पे प्लेस करोगे ऑन द कर्व्ड एज गिव्स द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। तो आप यहाँ पे जो भी मेजरमेंट देखोगे दैट विल बी द मेजर ऑफ दैट एंगल। जैसे यहाँ पे हमको कितना मिल गया है एंगल ए बी सी इक्वल टू लेट अस कंसीडर दैट कि ये हमको कितना मिला है 40 डिग्री मिला है। तो हम सिंपली क्या कहेंगे दैट एंगल ए बी सी मेजर 40 डिग्री। और देखिए जब आप इसको यहाँ पे प्लेस करोगे बेटा तो आपको कौन सी मेजरमेंट लेनी है इनर स्केल की 0, 10, 20, 30। क्यों? क्योंकि जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। राइट टू लेफ्ट हम राइट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में। तो हम कौन सी स्केल रीड करेंगे इनर स्केल। ठीक अगर हमारा एंगल कुछ ऐसे करके बना होता है मान लीजिए ये वाली लाइन तो हम कौन सी स्केल लेते हैं यहाँ पे बेटा आउटर स्केल लेते तो हम इसको 50 डिग्री बताते। लेकिन यहाँ पे हमारा राइट टू लेफ्ट हम जा रहे हैं इसलिए हम इनर स्केल लेंगे। ठीक है नाउ आई होप यू कैन मेजर एनी एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इट्स वेरी इजी। नाउ वी नो द प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेजरिंग एंगल्स। सो एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल एंड सेकेंड ऑप्शन इज अ स्ट्रेट एंगल। दैट्स वेरी सिंपल राइट एंगल का मेजर जो होता है दैट इज ऑफ 90 डिग्री एंड स्ट्रेट एंगल का जो मेजर होता है दैट इज ऑफ 180 डिग्री। तो आप लोग कर लोगे इसको। सेकेंड क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। द फर्स्ट ऑप्शन इज द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है यस दिस इज ट्रू। तो आप लोग करिएगा द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अब आपको फिर से कह रहा है कि जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है नहीं वो तो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है 180 डिग्री से कम होता है। तो आप खुद बताइए ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा आप खुद से राइट करिएगा। ऑप्शन सी द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजर होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पे बताइए कि ट्रू है कि फॉल्स है। ऑप्शन डी द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमने आपको जस्ट बताया कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिग्री कंप्लीट होता है 360 डिग्री। ऑप्शन ई इज इफ एंगल ए मेजर्स 53 डिग्री एंड एंगल बी मेजर्स 35 डिग्री देन एम एंगल ए इज ग्रेटर देन एम एंगल बी इज इट ट्रू और फॉल्स। एंगल ए कितना डिग्री मेजर कर रहा है 53 डिग्री एंगल बी कितना मेजर कर रहा है 35 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एम एंगल ए इज ग्रेटर देन एम एंगल बी इज इट ट्रू और फॉल्स सो यू विल डू बाय योरसेल्फ। द थर्ड क्वेश्चन राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल्स एंड सम ऑब्ट्यूस एंगल्स। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। दो एग्जाम्पल आपको एक्यूट एंगल के राइट करने हैं और दो एग्जाम्पल आपको ऑब्ट्यूस एंगल के राइट करने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर द एंगल्स गिवेन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। आपको जो एंगल्स दिए गए हैं उसको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना है और कितना डिग्री आपने मेजर किया वो एंगल राइट भी करना है। ठीक है जैसे आप यहाँ पे इस वाली लाइन पे प्रोटेक्टर को रखोगे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है देन आप जो है इस लाइन पे रीडिंग लोगे कि कितना डिग्री ये मेजर कर रहा है। तो आप यहाँ से यहाँ मेजर करोगे दैट इज राइट टू लेफ्ट तो आपको कौन सी रीडिंग लेनी है इनर स्केल आपको रीड करना है तो आप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए
यहाँ पे भी आपको राइट टू लेफ्ट आप मेजर कर रहे हो तो इनर स्केल मेजर करिएगा। वैसे ये वाली एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो आप बता सकते हो कि कितना डिग्री इसका मेजरमेंट होगा जब आप प्रोटेक्टर से मेजर करोगे। तो ये तो आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हो कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको तीन एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहली बार में आप इस वाली लाइन पे प्रोटेक्टर को रख करके देखिए यहाँ पे कौन सी मेजरमेंट आ रही, तो वो एंगल यहाँ का फाइंड आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप प्रोटेक्टर को रखिएगा और यहाँ पे आप देखिएगा कौन सी रीडिंग आ रही, तो वो यहाँ का एंगल निकल आएगा। फिर ये वाली जो हमारी एंगल है इसको भी आपको फाइंड आउट करना है। तो आप प्रोटेक्टर को इस वाली लाइन पे रखिएगा और देखिएगा कि यहाँ पे कौन सा मेजरमेंट आ रहा है, तो वो जो मेजरमेंट आएगा वो यहाँ का मेजरमेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच एंगल हैज अ लार्जर मेजर, फाइंड एस्टिमेट एंड देन मेजर। तो पहले आप देख करके एस्टिमेट करिए कि एंगल ए ग्रेटर होगा या एंगल बी ग्रेटर होगा। देख करके तो आप इजली बता सकते हो कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, लेकिन आपको मेजर भी करना है। मेजर करिएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी राइट करिएगा, फिर यहाँ पे राइट करिएगा, आफ्टर दैट यू विल राइट दैट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए। द सिक्स्थ क्वेश्चन, फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर, एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाई मेजरिंग देम। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी आंसर देने में, तो आप एंगल का नेम दे दीजिए, एंगल पी एंड एंगल क्यू। तो अब देखिए, पहले आप एस्टिमेट करिए कि एंगल पी इज ग्रेटर और एंगल क्यू इज ग्रेटर, आफ्टर दैट यू विल मेजर इट एंड यू विल राइट हियर कि एंगल पी की वैल्यू कितनी मिली आपको और एंगल क्यू की वैल्यू आपको कितनी मिली, एंड एट लास्ट यू विल राइट दैट दिस एंगल इज ग्रेटर दैन दिस एंगल। आई डोंट नो द आंसर, सो वेन यू विल डू देन यू विल नो। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सारे क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं, एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग पहले ये सारे क्वेश्चंस बुक में से मेजर कर लीजिएगा कि कितने डिग्री का वो बना है एक्चुअल में, उसके बाद आप अपनी कॉपी में उतने ही डिग्री का ड्रॉ करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसके आंसर्स देने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से राइट करके उसका सॉल्यूशन राइट कर लीजिएगा। Thank you students and see you in the next video.